हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो हिंदी में है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिकंसिलिएशन के बारे में। ये वीडियो, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, इनके रिकंसिलिएशन के बारे में क्या विचार हैं, हीलिंग प्रोसेस अगर चल रहा है तो कितना चल चुका है, क्या सिचुएशन है इस समय और भविष्य के क्या आसार हैं, क्या चांसेस है, उसके ऊपर आज की ये रीडिंग है। तो आज आपके स्क्रीन पर आपको अब दो हार्ट्स दिखाई देंगे, एक डार्क ग्रीन इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और एक लाइट ग्रीन आपके राइट साइड में। तो आप चाहें तो डार्क ग्रीन हार्ट ये वाला या लाइट ग्रीन हार्ट ये वाला चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे वो आपकी आज की पाइल होगी। आज के इस वीडियो में हम दो कार्ड डेक्स यूज़ कर रहे हैं, स्टार स्पिनर टैरो और रोमांस एंजल्स, और इसके थ्रू हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके रिकंसिलिएशन के बारे में, आपके बारे में इस समय इनके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं। और सबसे पहले आइए शुरू करते हैं आपके डार्क ग्रीन हार्ट यानी पाइल नंबर वन से। तो पाइल नंबर वन, इस समय आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके तरफ, और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और रिकंसिलिएशन के बारे में इनके क्या थॉट्स हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आता है वो है सिक्स ऑफ चैलिसेस यानी सिक्स ऑफ कप्स का, दूसरा आता है फोर ऑफ सोड्स का, तीसरा आता है किंग ऑफ कॉइन्स का, और तीसरा आता है फोर ऑफ शैलिसेस यानी फोर ऑफ कप्स। अब अगर देखें तो स्टार्टिंग में एंड में दोनों तरफ कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि मामला काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंटिमेंटल है। यहाँ पर आपके जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को उनके उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं ये सारी चीज़ें। और अगर बीच में हम देखें तो फोर ऑफ सोड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसके साथ अगर बात करें तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही सीरियसली इस बारे में सोच रहे हैं, सीरियसली आपके बारे में और आपसे जुड़ी जो भी यादें हैं, जो भी आप लोगों के बीच की बातें हैं, या आपके संबंध में जो भी दरार आई, जिस वजह से दरार आई, उन सबको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स है और इस सिक्स ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर मेमोरीज़ का रश बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। आपका अगर बात करने का कोई रूटीन था, मैसेजेस करने का कोई रूटीन था, तो उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ये याद करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उन चीज़ों को चाहते हैं कि काश ये फिर से एक बार आपके बीच में आ सके। दूसरा जो कार्ड आता है वो फोर ऑफ सोड्स का है, तो जहाँ तक मुझे जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से ये पर्सन अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को ठीक करने की, अपने मन को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मे बी जो आपके बीच की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी, और वो टॉक्सिक सिचुएशन आज के डेट में काफ़ी बेटर स्टेज में है। और फोर ऑफ सोड्स के साथ कहीं पर जैसे कि इनका काम में कभी कभी मन नहीं लगता है, या अचानक से आपकी याद आ जाती है, या बैठे बैठे कोई किसी वीडियो के थ्रू, किसी रील के थ्रू आपका ख्याल आ जाता है, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरा जो कार्ड आता है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, और इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि ये अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक्स को
या अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है प्रॉब्लम हुई, दिक्कतें आईं, लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है, मेरी कहाँ मिस्टेक है, मैं कहाँ रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो फोर ऑफ शैलिसेस यानी फोर ऑफ कप्स भी आता है, तो इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी रिसेंटली। कुछ लोगों का हो सकता है बर्थडे पड़ा हो, कुछ लोगों के पास शायद कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आई होगी उनके पास जिसमें कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपसे बात कर सकें, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को भी यूज़ नहीं किया और अब इस समय उनके मन में एक रिग्रेट जैसा फील दिखाई दे रहा है कि काश मैंने थोड़ा पहले कर लिया होता तो इतना डिले नहीं होता, तो इतना टाइम नहीं लगता चीज़ों को बेहतर होने में, ठीक होने में। तो कहीं ना कहीं अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं, कहीं पर अपनी गलतियों को समझने की प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम उसको मैच्योरली हल कर सकते हैं या कर सकते थे, जो हमने नहीं किया, जहाँ पर हमारी गलती थी, हमारी इन द सेंस आप दोनों की, एक रिलेशनशिप में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उन दोनों की ही गलती थी। अब अगर हम देखें तो आपको लेकर के फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं रिकंसिलिएशन की, तो रिकंसिलिएशन ये व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन इस समय भी इनके मन में असमंजस है, इनके मन में कन्फ्यूजन है, इनके मन में एक डाउट है कि अच्छा ठीक है अगर रिकंसिलिएशन हो भी जाता है तो किस तरह से हमारे बीच में अब कैसे सिचुएशन होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आगे फिर से दोबारा वैसा हो जाए। तो उस तरीके का डाउट इनके मन में बहुत ज़्यादा है। ये डाउट अभी मेरे हिसाब से कम से कम आने वाले 1.5 से 2 महीने इनके मन में रह सकता है और 2 महीने के आसपास आप लोगों की बातचीत और रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत लोगों के दिखाई दे रहे हैं। और बाकी लोगों के विद इन दिस ईयर आपका कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन या रिकंसिलिएशन हो सकता है। तो अगर आपने pile 1 चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपकी आपके पर्सन का हीलिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये अपने आप को सुधारने की, अपनी गलतियों को महसूस करने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखेंगे कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो जो सबसे पहला जो कार्ड आता है इसमें वो है केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो जैसा अभी हमने देखा 6 of Cups के साथ, आपकी केमिस्ट्री, आपका अट्रैक्शन, आपका पैशन एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा है और यही पैशन इनको आपकी तरफ खींच रहा है, यही पैशन इनको आपकी तरफ और ज़्यादा पुल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आता है मेक द एफर्ट, सो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए इन व्यक्ति के लिए। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, अगर रिलेशनशिप नहीं था सिर्फ क्रश वाली चीज़ें थी तो आपके लिए ये वीडियो शायद उतना एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जो लोग एक रिलेशनशिप में थे, एक संबंध में थे, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति आपके लिए एफर्ट ज़रूर करेंगे सही समय आने पर, और वो सही समय आपको कुछ दिन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, अब एक और कार्ड हम बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जीज चेक करेंगे और वो आता है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और ये व्यक्ति जैसा मैंने अभी बोला कि आप दोनों के बीच की जो टॉक्सिक सिचुएशन थी वो कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए, इसको लेकर के इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। सो वही रेड फ्लैग्स भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा ये भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था, तो आखिर सही क्या था।
तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है आप एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें उतने समय में बेहतर हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच पाइल वन और द डार्क ग्रीन हार्ट पाइल। आपको अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और बताइए कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कितना आप इससे रिलेट कर पाए, क्या सिमिलैरिटीज़ थी जिससे कि मुझे आगे आपके लिए कैसी वीडियोस बनानी है, कैसी रीडिंग्स लानी है, ये काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे पाइल टू से, यानी लाइट ग्रीन हार्ट से। सो लाइट ग्रीन हार्ट और पाइल नंबर टू, देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर। तो लाइट ग्रीन कार्ड और द लाइट ग्रीन हार्ट पाइल नंबर टू, आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आता है वो है सेवन ऑफ शैलिसेस का, यानी सेवन ऑफ कप्स। फिर आता है एम्प्रेस का, फिर आता है हैंग्ड मैन का, और फिर आता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो पाइल नंबर टू आपकी रीडिंग अगर हम देखें या आपके कार्ड्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आता है वो है एट ऑफ शैलिसेस का। इस एट ऑफ शैलिसेस के कार्ड के साथ यहाँ पर जो चीज़ समझ में आती है कि ये व्यक्ति आपके जो हैं ये अभी भी उन नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए हैं, मतलब उनसे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इनके अंदर या तो इतना पेशेंस नहीं है कि एक एक चीज़ बैठ के सुलझा सकें अपने मन की, या इनके अंदर ये पूरी तरीके से हताश हो गए हैं कहीं पर कि कैसे करूं, कर भी पाऊंगा या नहीं, या इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं, भविष्य है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट एटलीस्ट जो अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि एम्प्रेस है, और उस एम्प्रेस के साथ इतना तो ज़रूर है कि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट या आपको अपना पार्टनर ज़रूर मानते हैं, आपको ये आपको अपना एक अच्छा कंपेनियन कंसिडर करते हैं, और आपकी मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक्स को भूल करके एक नई शुरुआत करने के लिए भी तैयार हैं। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि सही समय आने पर हाँ आप दोनों के बीच की चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इनके मन में वो श्योरिटी नहीं है कि कब होंगी कैसे होंगी। हैंडमैन है, इनको पता है कि ठीक होगा, इनके मन में ये तो है, लेकिन इनके अंदर जैसे इनको डायरेक्शन नहीं पता है कि कैसे बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बात को रखना है, ठीक है। सो वो हैंगमैन के साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि इन्हें चीज़ों को हैंडल करना या हैंडल करने का तरीका वो नहीं समझ आ पा रहा है। अगर फीलिंग्स की बात करें तो हाँ, आपको आपके थॉट्स इनके मन में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। थॉट्स इन द सेंस कि आपकी कही हुई कुछ बातें, आपकी कही हुई कुछ स्ट्रॉन्ग बातें, जैसे कि आपने कोई इनको कोई सलाह दी हो, कोई एडवाइस दी हो, कोई इनको हेल्प की हो, वो इनको काफ़ी ज़्यादा याद आता है कि ये एक मैच्योर पर्सन था जिसने मुझे इस तरीके से गाइड किया, इस तरीके से हेल्प किया, तो वो इनको काफ़ी ज़्यादा याद आता है। वहीं बात करें तो एट ऑफ शैलिसेस के साथ ये अपने सॉरी सेवन ऑफ शैलिसेस के साथ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। इनको कभी कभी ये आपको मिस करते हैं, कभी कभी आपको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कभी कभी आपके लिए बुरा फील करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि नहीं जो हुआ सो सही हुआ। सो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी मिक्स्ड सी हैं। ये तो फील करते हैं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ या मैं इन्वॉल्व हूँ या मैं इसको चाहता हूँ चाहती हूँ, लेकिन कहीं कहीं इनको डाउट भी आता है अपने अंदर कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो सेवन ऑफ कप्स के साथ वो श्योरिटी नहीं है इनके मन में, इनके मन में बहुत बातें अलग 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 दिशाओं में घूमती रहती हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, ऐसा भी है, वैसा भी है। सो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं।
और वही चीज़ इनकी हैंगमैन के थ्रू यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये जितना भी चाहें कि आपको आपको समझें, आपको समझने की कोशिश करें, ये घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वहीं पर आ जाते हैं। कितना भी एफ़र्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा एफ़र्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ एक दो दिन हो सकता है सोचते हों, हिम्मत करते हों फ़ोन करने की, बट फ़ोन ना करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं। लास्ट जो कार्ड आता है वो नाइट ऑफ सोड्स है। तो इस नाइट ऑफ सोड्स के साथ हाँ, यहाँ पर अगर हम कहें तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि एक सर्ज है, एक अर्ज है अंदर से, एक 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 कॉलिंग है कि नहीं, मेरे को ठीक करना है, मुझे इसके साथ अपनी सिचुएशन ठीक करनी है, मुझे इसके साथ बेटर फील कराना है अपने आप को। तो वो एक सिचुएशन, वो एक फीलिंग काफ़ी अच्छी है जो कि इनको आपके पास ला सकती है। तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो रिकन्सिलिएशन कैसे होगा, कब होगा, ये इस बात की श्योरिटी और क्लैरिटी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो अच्छा टाइम है वो आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त और आफ्टर द मंथ ऑफ नवंबर, ये है। तो अगस्त के टाइम में या नवंबर के टाइम में आप लोगों के पाइल टू आपका रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं कि आप दोनों वापस एक साथ आकर के चीज़ों को सुलझाने के ऊपर बात करें, चीज़ों को सुलझाने के ऊपर ध्यान दें। लेकिन ऑन एंड ऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक एक वो असमंजस बहुत ज़्यादा है, एक 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 अनश्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि अच्छा ऐसा अच्छा वैसा। तो फीलिंग्स हैं, प्यार है, अफेक्शन है, लव है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन वहीं पर आपको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, आपको गलत समझते हैं कि नहीं, ये इसने गलत किया, वो उसने गलत किया, हमारे संबंध में ये गलत था, वो गलत था। तो ऐसी मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं इनके अंदर और वही इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो फ़िलहाल आप इनको जो है कि इनके हार्ट को हीलिंग दीजिए, इनके माइंड को हीलिंग दीजिए, इनको टेलीपैथिक हीलिंग्स भेजिए, जिससे कि ये उन डाउट्स से ओवरकम कर पाएँ जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। वो आप इन्हें फॉरगिव करिए, आप इनसे फॉरगिवनेस मांगिए, एटलीस्ट एनर्जी लेवल पर वो होना चाहिए, जिससे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर होने की शुरुआत हो सके। अब देखते हैं कि रोमांस एंजल्स के साथ आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आएगा वो है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो कीप एन ओपन माइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, तो आपको एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि हाँ ये इसकी एक कमी है या इसकी एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है कि ये ऐसा व्यक्ति ही है, ये जानबूझ करके मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, जानबूझ करके मेरे साथ सेपरेशन में नहीं है, इसको वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। दूसरा जो कार्ड आता है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली वो इसलिए क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्यार भी करते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते भी हैं, लेकिन आपको इस समय कंट्रोल नहीं दिखाना चाहिए, आपको इस समय किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि इस डेडलाइन के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, नहीं, आप इनको समय दीजिए, टाइम पे कंट्रोल मत रखिए और इस सिचुएशन को नेचुरली यूनिवर्स के पेस पर अनफोल्ड होने दीजिए। अब आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आता है वो है वर्थ वेटिंग फॉर, और ये वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आपको कहता है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ दैट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो डिवाइन टाइमिंग है, जो डिवाइन फोर्सेस हैं, वो आपको मदद कर रही हैं, वो आपको हेल्प कर रही हैं, इसमें आपको इनके साथ धैर्य और पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना होगा और तभी यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आपके लिए हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल टू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, समवेयर डाउन हियर,
क्योंकि मैं अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा लाइव रीडिंग्स लेकर के आता हूँ और अन्य वीडियोस जैसे वास्तु, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके की, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, आपके लिए ही हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, ब्लेस यू एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी.